हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर गए थे हम अभी अभी, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कि हम लोग को जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक गार्डन वगैरह है स्नेमलैंड, वहाँ पे जो बहुत बड़ी आग लगी, बहुत बड़ी ट्रेजडी हो गई। और हम लोगों ने जो है अभी हम देख के आए हैं तो बहुत अजीब लगा कि वहाँ पे एक स्कूल वैन के अंदर बच्चे इतने सारे थे और स्कूल वैन थी उस पर अचानक से आग लग गई। बच्चों को तो बाहर निकाल दिया उन्होंने और आग भी बहुत अच्छी एकदम फटाफट आग बहुत जल्दी से फैल गई और फायर ब्रिगेड भी आ गए, तो बहुत सीन शॉट बहुत ख़तरनाक हुआ था। और मैं अभी भी देख के आई हूँ तो बहुत बहुत अजीब सा हुआ था, ये तो देखने जैसा था। और लाइव देखते तो बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसा इतनी आग लग जाना और फिर अचानक से पटाखे जैसे एकदम ब्लास्ट होना, बहुत एकदम सीन शॉट बहुत खतरनाक था। और थोड़ा रिकॉर्ड भी करके आई हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो और फिर अच्छा है कि पुलिस वाले भी आ गई और इतनी सारी भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन ये अच्छा है कि बच्चों को तो अच्छे से निकाल दिया इन्होंने और ये बहुत अच्छी हो गई बात। तो स्कूल वैन के बच्चे रहते हैं और बहुत अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाए कितना माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, एक सोच के तो मुझे कुछ होने लगा और मेरे खुद के भी हाथ पांव एकदम कांपने लगे कि अच्छा है कि बच्चे निकल गए। और खाली गाड़ी एकदम इतनी आग लग गई और इतनी तेज़ी से आग लग गई थी कि मैं तो देख के हैरान हो गई थी, इतने फटाफट ब्लास्ट भी हो रहे थे। और अच्छा है कि मौके के ऊपर जो फायर ब्रिगेड भी आ गई, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि किस तरह से आग लगी थी और कितनी आग लगी थी। तो ये मैं देख के आई हूँ अभी और देखिए ये सारे मेरे घर के काम भी पड़े हुए हैं। और अब मैं अभी आई हूँ यहाँ से, जस्ट अभी घुसी हूँ मैं घर में। और देखिए अब मेरे सब देखने के बाद जो है मुझसे काम बिल्कुल नहीं होंगे और मेरे हाथ पैर अच्छे से जो काँप रहे थे देख के। तो देखिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ, थोड़ा आज मेरे सारे काम भी पड़े हुए हैं, देखिए ये सब काम मेरे यहाँ के सारे काम पड़े हुए हैं यहाँ पे डब्बे वगैरह। और आज मैंने सोचा है कि दाल गोश्त बना लूँ खाने में, तो मैं दाल गोश्त की तैयारी करती हूँ और दाल गोश्त बनाती हूँ। और साथ साथ में जो है ये सारे घर के काम मुझे निपटाने होंगे और फटाफट करना होगा। अब जो ट्रेजडी हो गई तो वो तो देख लिया तो हो गया, लेकिन अब मैं अपना काम करती हूँ और भूलने की करती हूँ कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था, देख के मुझे बहुत अजीब लगा था। तो और ब्रेक बहुत अच्छा, टेंशन हो रही है मुझे। तो ये डब्बे मैंने स्टोर करके यहाँ रख दिए अच्छे से क्लीन करके, और ये क्लीन भी हो गए देखिए ये डब्बे वगैरह। अब ये सही रहे तो अच्छा है, वरना दो दिन में तो यहाँ वहाँ हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो है स्नेमलैंड का गार्डन, कि हम लोगों जो वर्क के हिसाब से गए थे हमारे बैंक के हिसाब से, लेकिन आज बैंक क्लोज थी तो खाली थोड़ा ही बहुत प्रोसीजर करना था, बाकी तो वो होके आया है हम। और वापसी में ये हादसा हमें देखने के लिए मिला था, बहुत बड़ी बात हुई थी। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था और हस्बैंड थोड़ा डेयरिंग है कि वो आगे जाने की कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें बहुत डांट रही थी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा हो सकता है ये और अच्छे खासे ब्लास्ट हो सकती थी, तो मैं उनको रोक रही थी और ना ही कह रही थी। देख यहाँ पब्लिक भी इतनी समझदार थी कि वहाँ पे एक साइड पे रुक गई थी, लेकिन जिसको नहीं समझती वो अभी भी जो है आना जाना चालू ही रखा था इन्होंने। तो ये देखिए बहुत सी, और अच्छा है कि फायर ब्रिगेड वाले आ गए टाइम पे, वरना मगर ये इतना बड़ा हो सकता था कि यहाँ सब ट्रीज़ वगैरह भी हैं तो ट्रीज़ भी अच्छे से जो है आके लपेट में आ सकते थे। तो देखिए कितना बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था यहाँ पे, बहुत सीन शॉट बहुत बुरा हाल हो गया था। और सब पब्लिक बहुत अच्छी खासी जो है थोड़ी थोड़ी करके सब जमा हो गए थे और सब जो है अपने अपने मोबाइल ही लेके खड़े थे कि अब क्या सिचुएशन होती है। तो ज़्यादा ब्लास्ट ज़्यादा हुआ नहीं, और अच्छा है कि फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए और पुलिस वाले भी आ गए कि जो भीड़ भाड़ को भी कम कर सके, और हैंडल कर लिया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। और एक तो ये है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से जो है बच्चे भी निकल गए थे, और शायद तो देखिए यहाँ पे कितना मजमा जमा हो गया है सब के सब देखने वाला ये हो गया था। यहाँ देखिए पब्लिक सारी बहुत ज़्यादा थी और सबको सब मतलब कि इतनी सारी भीड़ भाड़ जमा हो गई थी, और यहाँ फायर ब्रिगेड भी जो मौके पर पहुँच के जो अपना काम कर रही थी, तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ जमा हो गए थे और इतनी सारा धुआं धुआं निकला हुआ था।
और बहुत अच्छे से जो है इन्होंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, और बहुत अच्छे से जो है देखिए ये गाड़ी को जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे सारी के सारी आग वगैरह थी लगी हुई थी, और यहाँ देखिए वो अपने इससे सब पूरी के पूरी गाड़ी को एकदम से हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, और सारी आग जो है वो बुझ चुकी है यहाँ पे। मैं तो बच्चों के लिए परेशान थी कि अच्छा है कि बच्चे सबके सब अच्छे से निकल गए, तो ये बहुत अच्छी हो गई बात तो कि इतना बच्चे अंदर नहीं थे और इतना सब हैंडल हो गया था। ये बहुत अच्छी बात थी मेरे हिसाब से तो, कि यहाँ पे सब बातें भी कर रहे थे। देखिए यहाँ पे आते जाते सब जान जो है खड़े होके ये सब देख रहे थे। और एक तो यहाँ पे सब रोड्स वगैरह सब क्लोज इतने हैं कि घूम घूम के हर काम के लिए जाना पड़ता है, तो हर जगह जो है ट्रैफिक का भी बहुत अच्छा खासा जो है इश्यू बना हुआ है। और इसके साथ ही हम जो है घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी थी और पुलिस वाले भी अपने काम कर रहे थे कि मना कर रहे थे सबको यहाँ से वहाँ जाने के लिए। देखिए ये सब जो हैंडल देखेंगे आप, वो इंक्वायरी करेंगे कि क्यों क्या वजह थी ये सब ब्लास्ट होने की, इतनी सब आग वगैरह लगने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, दुआ उम्मीद की याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।